আপনি জানলে অবাক হবেন মিয়ানমারকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সমর্থন দিচ্ছে এমন দেশগুলোর মাঝে ভারত অন্যতম। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे स्मैन रिएक्शंस। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस के हवाले से, और यहाँ पे म्यांमार की जो कंटिन्यूसली सूरत हाल चल रही है, बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पे जो भी सिचुएशन है, जो भी फायरिंग और ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेके यहाँ पे अब भारत एक ऐसी कंट्री है जो कहने को तो बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा मित्र बनता है और ख़ुद को हमेशा यही कहता है कि हम बांग्लादेश के मित्र हैं, हमें बांग्लादेश से बहुत मोहब्बत है, हमने तो जी बांग्लादेश के लिए अपनी जो है जाने गंवा दी और खून का जो नजराना है वो पेश कर दिया। सो इस टाइप की बड़ी बड़ी बातें जो हैं इंडिया की जानिब से, इंडियन ऑफिशियल्स की जानिब से की जाती हैं, लेकिन ये बातें सिर्फ बातें नज़र आ रही हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर म्यांमार बांग्लादेश के साथ वॉर करना चाहता है, बांग्लादेश को थ्रेट्स दे रहा है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया जैसी कंट्री जिसको बांग्लादेश को सपोर्ट करना चाहिए था, वो बांग्लादेश को सपोर्ट करने की बजाय म्यांमार की फौजी जनता को सपोर्ट कर रही है। यहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस शो की है, बहुत ज़्यादा अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो म्यांमार को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे उनको मिलिट्री असिस्टेंस भी फराहम की जा रही है, उनके फ़ौजियों को जी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। यहाँ पे एक कौन सी ऐसी वजह है कि इंडिया ये सब करने पर मजबूर हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली एक राहदारी का मंसूबा है जो कि म्यांमार से इंडिया को कनेक्ट करेगा। तो ये मंसूबे की वजह से इंडिया फ़वाद हासिल करने की बेस पे बांग्लादेश के ख़िलाफ़ म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है, जो कि बांग्लादेश को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। सो जाहिर सी बात है, जब आप एक ऐसी कंट्री जिसको कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लाइक अगर हम नेबरहुड कंट्रीज़ में देखें तो इंडिया को कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लाइक पाकिस्तान की बात करें, चाइना, नेपाल, श्रीलंका, तो सारी की सारी कंट्रीज़ जो हैं कभी भी इंडिया के हक़ में खड़ी नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश एक ऐसी कंट्री है जो कि हमेशा इंडिया के साथ स्टैंड किया है इन्होंने, इसके बावजूद जो है इंडिया की जानिब से म्यांमार को सपोर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश के दुश्मन म्यांमार को मजबूत किया जा रहा है। आज की रिपोर्ट इसी को लेकर, रिपोर्ट आप लोगों ने पूरी देखती हैं। वीडियो देखने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, लाइक का बटन सामने है उसे जल्दी से क्लिक कर दें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। আপনি জানলে অবাক হবেন মিয়ানমারকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি সমর্থন দিচ্ছে এমন দেশগুলোর মাঝে ভারত অন্যতম। অথচ বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র ভারত। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কোনো মিত্র হয় না। নিজ দেশের স্বার্থে কাজ করে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ। সুতরাং ভারত নিজেও তাদের স্বার্থ অনুযায়ী কাজ করবে। মিয়ানমারকে সমর্থন করলে ভারত অনেক বেশি লাভবান হবে। অন্যদিকে বাংলাদেশকে সমর্থন না করলেও কোনো সমস্যা নেই, কারণ ইতিমধ্যে বাংলাদেশ থেকে ট্রানজিট পেয়েছে, তাই পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যে যোগাযোগ করতে আর কোনো সমস্যা নেই। তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভারত সন্তুষ্ট নয়। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হলে ভারতের ট্রানজিট বন্ধ হবে। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ ভারতকে মিত্র হিসেবে মনে করে না, বরং বাংলাদেশ থেকে নিয়মিত সুবিধা আদায় করাই দেশটির একমাত্র লক্ষ্য। তবে সামরিক দিক থেকে বাংলাদেশ থেকে সুবিধা আদায় করতে পারেনি। ভবিষ্যতে চীন যদি হামলা করে তবে সহজেই শিলিগুড়ি করিডোর দখল করে নেবে, তখন ভারত পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যে যোগাযোগ করতে পারবে না। বাংলাদেশ থেকে ভারত যে ট্রানজিট নিয়েছে তাতে শর্ত দিয়েছে বাংলাদেশ। শর্ত অনুযায়ী কোনো ধরনের সামরিক সরঞ্জাম এবং সমরাস্ত্র বাংলাদেশের ভূখণ্ড দিয়ে পরিবহন করতে পারবে না। এখানেই ভারতের আপত্তি এবং মিয়ানমারকে সমর্থনের কারণ। মিয়ানমার ভারতকে একটি করিডোর দিয়েছে যা সামরিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য দিয়ে পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যে পৌঁছাবে ভারত। এক্ষেত্রে বিশাল দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে, কারণ কলকাতা বন্দর থেকে সরঞ্জাম নিয়ে রাখাইন রাজ্যে পৌঁছাতে হবে, তারপর সেখান থেকে কালাদান করিডোর দিয়ে পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যে পৌঁছাবে। রাখাইন রাজ্য থেকে ভারতের দূরত্ব প্রায় 1300 কিলোমিটার, অথচ বাংলাদেশের করিডোর দিয়ে পৌঁছাতে মাত্র 200 কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। তারপরেও ভারত প্রজেক্ট কালাদান বাস্তবায়ন করছে, কারণ সামরিক দিক থেকে এই করিডোর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শুধুমাত্র এই কারণে মিয়ানমারকে সমর্থন দিচ্ছে ভারত সরকার। যদি মিয়ানমার সেনাবাহিনী পরাজিত হয় তবে প্রজেক্ট কালাদান বন্ধ হবে। অন্যদিকে চীনের মদতপুষ্ট মিয়ানমারের বিদ্রোহী গোষ্ঠী, তাদের লক্ষ্য প্রজেক্ট কালাদান বন্ধ করা। ভারত কোনোভাবে চায়নি এই ধরনের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে। कारण बांग्लादेशी करिडर सामरिक काजे व्यवहार करार अनुमोदन पेले सबचेये लाभवान हतो। तबे चीनेर आपत्ति थाकाय बांग्लादेश सरकार एई पदक्षेप थेके पिछिये आसे, जे कारणे 2010 साले भारत सरकार मियानमारेर संगे चुक्ति स्वाक्षर करे। एई चुक्तिर आवताधीन प्रोजेक्ट कालादान निर्माण करबे। विशाल प्रकल्पेर व्यय धरा हय 500 मिलियन মার্কিন ডলার। 2017 साले निर्माण काज शेष होवार कथा छिलो, तबे चीनेर कौशले एई प्रकल्प एखोनो पर्यन्त बास्तबायन करते पारेनि, कारण मियानमारेर विद्रोही गोष्ठी प्रकल्प लक्ष्य करे हमला चालाय। भारत इतिमध्ये 500 मिलियन ডলাर ব্যয় করেছে, এখনো পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ করতে পারেনি। ধারণা করা হচ্ছে এই প্রকল্পের ব্যয় কমপক্ষে 2 বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। সর্বশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী 2023 সালের মাঝে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ করবে, তারপরই ভারত এই করিডর সামরিক কাজে ব্যবহার করবে। বর্তমানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সমরাস্ত্র পৌঁছানো অনেক কঠিন এবং সময় সাপেক্ষ, যে কারণে পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যে চীন থেকে অনেক পিছিয়ে থাকে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বিষয়টি ভারত নিজেই স্বীকার করে। ভৌগোলিক দুর্বলতা এর জন্য দায়ী। তাছাড়া বর্ষাকালে শিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে সরঞ্জাম এবং সমরাস্ত্র পরিবহন করা এক প্রকার অসম্ভব। এমন অবস্থায় প্রজেক্ট কালাদান ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করবে। চীন যে কোনো মূল্যে এই প্রকল্প বন্ধ করতে চায়, অন্যদিকে ভারত যে কোনো মূল্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে মরিয়া। এক্ষেত্রে বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে মদত দিয়ে বিশাল অঞ্চল দখল করতে চেষ্টা করছে চীন। অন্যদিকে ভারত চেষ্টা করছে যাতে মিয়ানমার সেনাবাহিনী জয়লাভ করে, কারণ এই অঞ্চল হাতছাড়া হলে ভারতের ট্রানজিট স্থায়ীভাবে বন্ধ হবে। সেক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন সময় ভারতীয় সেনাবাহিনী পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যে পরাজিত হবে, কারণ সমরাস্ত্র পৌঁছাতে পারবে না। এই কারণে ভারত সরকার বিভিন্ন দিক থেকে মিয়ানমারকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে ভারতীয় সেনাবাহিনী মিয়ানমারকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে। পূর্বাঞ্চলের 7 রাজ্যে এই প্রশিক্ষণ প্রদান করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টি ঝুঁকিপূর্ণ, কারণ মিয়ানমারকে প্রজেক্ট কালাদান বাস্তবায়নের জন্য যে কোনো ধরনের সহযোগিতা করবে ভারত। যদি বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের যুদ্ধ হয়, সম্ভাবনা থাকবে মিয়ানমারকে সমর্থন করবে দেশটি, কারণ এর ফলে তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে। ভারত তাদের স্বার্থ দেখবে, এটা নিশ্চিত। বাংলাদেশ 2017 সালে ভারত থেকে একটি পুরনো কিলো ক্লাস সাবমেরিন কিনতে চেয়েছিল, অথচ ভারত সরকার বিষয়টি অনুমোদন করেনি। পরবর্তীতে 2020 সালে মিয়ানমারকে একই সাবমেরিন বিনামূল্যে প্রদান করে ভারত সরকার। সুতরাং যুদ্ধ হলে ভারত যে বাংলাদেশের পক্ষে থাকবে না এটা শতভাগ নিশ্চিত, বরং মিয়ানমারকে সমর্থন করবে। যদি সরাসরি সমর্থন নাও করে অন্তত সমরাস্ত্র দিয়ে সহযোগিতা করবে। তবে প্রজেক্ট কালাদান বাস্তবায়ন হলে ভারত নিরাপদ তা নয়, কারণ বাংলাদেশের প্রভাব ছাড়া এই প্রকল্প কোনোভাবে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চল রাখাইন, তাই প্রয়োজন হলে রকেট লঞ্চার অথবা আর্টিলারি দিয়ে হামলা করা সম্ভব। এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুরো প্রকল্পের উপর আর্টিলারি দিয়ে হামলা करा সম্ভব। सुतरां प्रोजेक्ट कालाधन पर नियंत्रण था। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। इंडिया जो है अपने मकासद को हासिल करने के लिए बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जाके म्यांमार को मजबूत कर रहा है। इसके पीछे कौन सी वजह है? सबसे बड़ी वजह यही है कि राहदारी जो बनाई जा रही है म्यांमार से इंडिया के साथ, यहाँ पे इन्होंने फासले का जिक्र किया कि ये अगर बांग्लादेश का रास्ता रूट लेके अगर इंडिया तक आएँ तो वो 200 किलोमीटर है, ठीक है, और अगर इसको म्यांमार से डायरेक्ट इंडिया की तरफ जाएँ तो वो 400 किलोमीटर है। तो बांग्लादेश को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, बल्कि इंडिया इट्सेल्फ अपने कनेक्शंस जो है म्यांमार के साथ बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे उनको बहुत बड़ा खतरा लाक है कि जो यहाँ पे जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, अगर उसके साथ राब्ता मुंतका हो गया तो इंडिया क्या करेगा? इसी चीज़ को लेते हुए ये जो राहदारी का मंसूबा है चल रहा है, और इंडिया कॉन्टीन्यूसली बांग्लादेश के दुश्मन को सपोर्ट कर रहा है, उसको मजबूत कर रहा है, उसको मिलिट्री असिस्टेंस फ्राहम कर रहा है, मिलिट्री वेपन्स दिए जा रहे हैं, सबमरीन्स दी जा रही हैं। तो हर तरह की जो मदद है म्यांमार की जा रही है, ताकि ऐसी कुछ सिचुएशन ना हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो वो इंडिया के हक़ में नहीं जाएगा। इसलिए जी इंडिया बांग्लादेश को एक साइड पर रखते हुए अपने मफादात की जो जंग है वो खेल रहा है, और हमेशा से ही इंडिया ने खुदगर्जी का मुजाहरा किया है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर साबित हो गया कि इंडिया जो है बांग्लादेश का बिल्कुल भी वेलविशर नहीं है। समटाइम्स जो है कुछ लोगों के मुँह से सुनते हैं कि वो इंडिया को ज़्यादा अपना, ठीक है, फेवरेट कंट्री बोलते हैं इंडिया को, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ अब बहुत से लोगों को रियलाइज़ हो चुकी है कि इंडिया बिल्कुल भी बांग्लादेश की फेवर में नहीं है। जहाँ पे इंडिया को ज़रूरत होती है वो बांग्लादेश को यूज़ करता है, लेकिन जहाँ उसके अपने मफाद सामने आते हैं तो वो म्यांमार को भी सपोर्ट करने, उसको मजबूत करने से पीछे नहीं हटता, बल्कि बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खड़ा होकर काम करता है। वेल आप लोग इस चीज़ को कैसे देखते हैं, आप लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है आप लोग बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, लाइक का बटन सामने उसे जल्दी से क्लिक कर दें। वीडियो को लाजमी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को लास्ट में नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज वहाँ पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।